देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। वहीं आज होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है कि बंगाल को बैठक में अपनी बात रखने वाले राज्यों की सूची में नहीं रखा गया है, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से मुख्यमंत्रियों के साथ दो दिवसीय विचार विमर्श कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के हालातों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि अनलॉक वन के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चुके हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? लगातार देश में संक्रमण फैलता जा रहा है, तो वहीं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, आज छठी जो बैठक होगी उसका दूसरा चरण है। कल एक बार बैठक हो चुकी है जिसमें पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हुए थे, और आज जो बैठक होगी उसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, साथ में राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये तमाम जो राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, गुजरात में खासतौर पर, महाराष्ट्र की बात करें तो, हालांकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उनके शामिल होने पे अटकलें हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगी या नहीं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक से पहले एक बैठक करके समीक्षा बैठक की, उसमें जायजा भी लिया कि जिला स्तर पे किस तरीके से कोरोना को और किस तरीके से रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, जिसका फीडबैक आज प्रधानमंत्री मोदी को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देंगे। हालांकि इससे पहले जो कल बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि इस तरीके की बैठकों से आगे के जो स्टेप्स है वो उठाने में काफी मदद मिलेगी, आर्थिक जो सहयोग है वो किस तरीके से केंद्र सरकार को कितना कितना हर राज्य को देना है, इससे कहीं ना कहीं उनको जरूर एक मदद मिलेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।